गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आवर लेसन इज़ गोइंग ऑन फूड्स वी ईट। जो एक्सरसाइज आज हम करेंगे इस लेसन की, दिस इज़ ऑन पेज 40। इसमें लिखा है लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लाइक्स मतलब जो चीज़ें हमें पसंद हैं, डिसलाइक्स जो हमें नहीं पसंद हैं। राइट द नेम्स ऑफ 3 फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट एंड 3 दैट यू डिसलाइक। डिसलाइक मतलब जो पसंद नहीं है। तो लाइक वाले हमने लिखे हैं दाल, मिल्क, आइसक्रीम, ये सब बच्चों को अच्छे लगते हैं। इसमें आप अपनी कोई भी 3 फेवरेट चीज़ें और भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं वेजिटेबल, मिल्क, मैंगो, एनीथिंग एल्स जो आपको पसंद हो। और जो ना पसंद हो, जैसे कुछ बच्चों को करेला नहीं पसंद होता, बिटर गर्ड कहते हैं उसको। कुछ बच्चे लौकी नहीं पसंद करते, उसको गर्ड बोलते हैं। ये लौकी भी लिख दोगे तब भी चलेगा। जो बच्चे नॉनवेज नहीं खाते तो वो एग्स और फिश को नहीं लाइक करेंगे, तो इसलिए हमने इसमें एग्स, हैन और फिश लिखा है। आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, ये तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखा है। बच्चों कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे लिखा है लेट्स टॉक टू सम पीपल। ये बुक में देख लेंगे बच्चों, बहुत अच्छा नहीं छपा है, दिख तो रहा है पर बहुत साफ नहीं है, तो इसको आप अपनी बुक में देखेंगे। लेट्स टॉक टू सम पीपल एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और देखते हैं वो क्या खाते हैं। ये सबसे पहले एक लड़की है, ये बोल रही है आई लिव इन हांगकांग, माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स। ये लड़की है जो स्नैक्स खाना पसंद करती है। वैन एवर वी लाइक फील ईटिंग स्नैक्स वी गो टू ए नियर बाय होटल एंड ईट लिंग हुफेन। ये है, इसको सांप खाने का मन करता है, जब इसका सांप खाने का मन करता है तो ये होटल में जाते हैं मम्मी बेटी, और लिंग हुफेन ये नाम की कोई डिश होती होगी स्नैक से बनी हुई, वो खाती हैं ये। नंबर 2 लड़की जो है वो ये है हमारी, ये कह रही है आई लिव इन कश्मीर, आई लाइक फ़िश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, वंस वी हैड गॉन टू गोवा वी एट फिश देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट, माई मदर सैड दैट इट वॉज सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल इट हैड टू बी डिफरेंट। तो इसकी, ये कश्मीर में रहती है, मस्टर्ड ऑयल में इसकी मम्मी फ़िश पकाती है, ये उसको बहुत पसंद करती है। एक बार जब ये गोवा गए वहाँ पे इन्होंने फ़िश खाई तो उसका टेस्ट डिफरेंट था, तो मम्मी ने बताया क्योंकि ये सी फिश है, समुद्री मछली और रिवर वाली मछली या पॉन्ड वाली मछली, इन सब का टेस्ट अलग अलग होता है। ये लड़का है एक, ये केरल में रहता है, ये इसको 2 चीज़ें पसंद है। आई रियली लाइक टू ईट 2 थिंग्स बोथ ग्रो इन आवर कोर्टयार्ड, दोनों इसके कोर्टयार्ड में आंगन में पैदा होती हैं। वन ग्रोज ऑन ए टॉल ट्री, वो तो कोकोनट है समझ जाओ, टॉल ट्री पे ग्रोन होता है, एंड अदर अंडरग्राउंड, और दूसरी ज़मीन के नीचे, जैसे अरबी टाइप की कोई चीज़, अरबी आलू, ये ज़मीन के नीचे पैदा होते हैं। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉयल्ड टोपिका, ये टोपिका इसकी कोई डिश होती होगी, मुझे नहीं पता बेटा, और यूजिंग कोकोनट की करी में ये बन के बहुत स्वाद लगती होगी। इट टेस्ट वेरी गुड, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसको समझ लेंगे कि डिफरेंट टाइप के पीपल डिफरेंट टाइप का खाना खाते हैं, जो जहाँ रहते हैं जो जैसा मिलता है उनको उसी को खाना वो प्रेफर करते हैं। ओके बच्चों।